नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मानंद झा और आप देख रहे राष्ट्र समाचार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मथुरा के विधायक श्रीकांत शर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका राष्ट्र समाचार बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मथुरा से चलकर लक्ष्मी नगर के वार्ड नंबर 203 में आए हैं। यहाँ के प्रत्याशी जो है अलका राघव, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको क्या माहौल देखने को यहाँ मिला? मैं अपील करने आया हूँ कि 4 तारीख को यहाँ चुनाव है, अधिक से अधिक संख्या में लोग भाजपा के पक्ष में मतदान करें, क्योंकि G20 की समितियाँ होने वाली है और दिल्ली और तेज गति से संवरने वाली है, चमकने वाली है। दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी दिल्ली बनने वाली है, लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी का जो रवैया है वो बहुत नकारात्मक है। वो नेगेटिव अप्रोच के साथ यहाँ काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। और जो एक विचार को लेकर भाजपा चल रही है, जिसमें दिल्ली की समृद्धि के साथ साथ देश की समृद्धि भी है, तो लोग भाजपा के पक्ष में मतदान करें। और लगातार झूठ बोलने वाले जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, आज उनके मंत्री जेल में हैं। जो एक समय था जो अखबारों की कटिंग लेकर केजरीवाल साहब लोगों के घरों के सामने प्रोटेस्ट करते थे, आज उनका मंत्री जेल में है, लेकिन उसको बर्खास्त करने की उनमें हिम्मत नहीं है। और भी कई मंत्री हैं जो जेल के रास्ते में हैं, बिल्कुल जेल के बाहर खड़े हुए हैं, चौखट पर खड़े हुए हैं, लेकिन केजरीवाल साहब इन बातों को स्वीकार नहीं करते। जनता ये समझती है और उनके चेहरे से नकाब उतर चुका है, वो एक्सपोज हो चुके हैं और जनता भी ये सब जानती है। सर, आप अरविंद केजरीवाल के कीड़ा शब्द का प्रयोग किए हैं, वायरस शब्द का प्रयोग किया है। मैंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी इस देश में एक वायरस की तरह थी, लेकिन देश के लोगों ने उसको धीरे धीरे समाप्त किया है। आम आदमी पार्टी भी एक वायरस है, मैंने व्यक्ति का नाम मैं नहीं लेता। जब आपने कहा दिल्ली कर्म भूमि है, उस समय दिल्ली किस स्थिति में थी और अब आप आए हैं उतने दिनों बाद, क्योंकि अब आपका कर्म भूमि मथुरा हो चुका है, मथुरा से यहाँ आए? इसलिए कहा मैंने आम आदमी पार्टी को वायरस है, जब से वो लोग यहाँ दिल्ली में सरकार में आए हैं तब से दिल्ली में रहना लोगों का दूभर हो गया है। लोग स्वच्छ प्राणवायु भी नहीं ले सकते, स्वच्छ पीने का पानी भी नहीं है, अराजकता इतनी बढ़ गई है। तो केजरीवाल साहब सुबह कुछ और बोलते हैं, दोपहर को कुछ और बोलते हैं, उनका अपने विचार के प्रति भी वो प्रतिबद्ध नहीं है, अपनी बातों पर ही वो नहीं टिकते हैं, तुरंत यू टर्न ले लेते हैं। आखिरी सवाल, आप एक यूथ लीडर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे लक्ष्मीनगर के जो यूथ जनता आपको देख रही है, उनके लिए क्या कुछ मैसेज? मैं कहना चाहूंगा कि G20 की समिट यहाँ होने वाली है, जिस तरह से दुनिया में माँ भारती का डंका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बजाया है और ये देश की राजधानी है, तो इसको ऐसे लोगों से हमें मुक्त करना चाहिए जो संस्था के रूप में भी उनका कोई विचार नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं संस्था के रूप में है, आम आदमी पार्टी का कोई प्रतिबद्धता नहीं है, ना तो दिल्ली के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है और व्यक्ति के तौर पर भी केजरीवाल साहब की कोई कमिटमेंट नहीं है। तो ऐसे लोगों को कम से कम अब ना कहने का समय आ गया है, अब ऐसे लोगों से दिल्ली को मुक्त करने का समय आ गया है। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विधायक श्रीकांत शर्मा, जो कि मथुरा के विधायक है और पूर्व ऊर्जा मंत्री थे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन प्रशांत यादव के साथ ब्रह्मानंद झा, राष्ट्र समाचार, दिल्ली।